मैंने बुद्ध के इतिहास को पढ़ा, महापुरुषों को इतिहास को पढ़ा, तो मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने खुद ही समझ लिया था। आज आप देखते हो ना, पूरे भारत देश में हमारे महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी चलती है ना। जिस देवी को हाईलाइट किया गया उसके नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी भारत देश में, कोई शिक्षा की क्रांतिकारी कोई किताब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। और उसके बाद हमारा कानपुर छत्रपति साहू जी के महाराज से चलता है, हमारा उधर जो आगरा मंडल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम चलता है ना। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी हमारे महापुरुषों के नाम चलती हैं। मेरी माताओं बहनों, आप लोग त्योहारों को मनाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं ना, मनाते हो, होली मनाते हो, हैं? मनाते हो होली? नहीं मनाती हूँ। दीपावली मनाते हो? अच्छा, रक्षाबंधन सभी लोग मनाते होंगे, है ना। दीपावली तो हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, और होली तो जीता जागता प्रमाण है कि एक महिला का, एक अवला का किस प्रकार से एक अवला की इज्जत को तार तार करके जलाया जाता है ना। लेकिन रक्षाबंधन और एक भैया दूज, एक करवा चौथ, ये तीन त्योहार जो बने हैं वो महिलाओं पे बने हुए हैं, है ना माता बहनों। रक्षाबंधन, ये जो भाई के हाँ कलाई पे बहन राखी बांधती है ना, ये कहती है कि मेरा रक्षा का इसे समझो ना रेशम का तार भैया, है ना, ये हमारा प्यार है, ये तार नहीं है। अच्छी बात है भाई, ये रेशम का तार बांधो या ना बांधो, प्यार कभी कम नहीं होता भाई बहनों का, कभी नहीं कम होता है। मुझे तो पता भी नहीं हूँ है कि मैंने कब से इस परंपरा को तोड़ दिया है, मुझे भी नहीं पता है। मेरी माताओं बहनों, वो रक्षाबंधन है, वो जो राखी है ना, रक्षाबंधन है, वो रक्षा करता है। तो लोग भैंस के सिंग में बांध देते हैं, जाके मारे जा भैंसिया और मरखोर हो ना तो मारे ना। लोग पता क्या बांध देते हैं, गेट पे बांध देते हैं, अगर चोर और चोरी करने आए तो चोर रक्षा करेंगे। अब कोई मरखनी भैंसिया होए, बाकी तुमने सर में रखिया बांध दई है और तुम जाओ ढिया, देखो छक्का चौका लगा। मेरी माता बहनों, रक्षाबंधन भाई रक्षा नहीं करता है, रक्षा तो सभी लोग करते हैं। लड़की जब मायके में रहती है तो सभी रक्षा करते हैं। क्या पिता रक्षा नहीं करता है बेटी की? क्या माँ रक्षा नहीं करती है? क्या आपकी बड़ी बहन हो आपसे वो रक्षा नहीं करती है? अरे ऐसी ऐसी बहनें हुई हैं। अब अगर अरे हमारे स्टाफ की एक सिस्टर हैं जो कथा कहती हैं, उन्होंने अपने सारे भाइयों की बहनों की शादी करके उसके बाद शादी करी है, तो क्या रक्षा उसने नहीं की है? अरे मेरी माताओं बहनों, भाई बहन, रक्षा तो बेटी की सभी करते हैं। जो अपने हुसन पे अभी उसे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसे सभी लोग निगाह में रखते हैं कि उसको बोध नहीं, ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है, तो सभी लोग उस बच्चे पर निगाह रखते हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन जो रक्षाबंधन जो भारत को लूट रहा है, ये लूट रही हैं, आप लूट रही हैं। आप रक्षाबंधन मनाने के लिए गई मायके में भैया, अगर तुम मिठाई लेके नहीं गई, है ना, और पेट्रोल तो आप जानते कितना महंगा हो रहा है, अब आज को जमाना हुआ है जो कोई साइकिल तो जाते नहीं है, अब भैया जाके घर में मोटरसाइकिल प्रभु पैदल कैसे जा सकता है, कोई किराए कैसे जा सकता है भैया, वो अपनी गाड़ी जाएगा तो अनुमान लगाएगा, वो लड़की घर से चली है तो ससुराल वाले अनुमान लगा लेते हैं कि इतने पैसे दिए हैं, इतने खर्च होंगे, मिलेगा क्या। ओ खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि पिता ने माँ ने आपको साड़ी कोई कम कीमत वाली दे दी तो लड़की को ताने मारे जाते हैं। ऐसा हमने आंखों से देखा है, उस कानून से सुना भी है। मेरी माता बहनों, तो लोग मतलब एक तरीके से अगर आप गए, आप गई और इसमें आप गई भी,
और तो ऐसा लगता कि आप जाते ही ना तो बढ़िया रहता, लोग ताने मारते हैं, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, इतना खर्च कर दिया है। भैया ये रक्षा बंधन वाले दिन मत भागो, आगे पीछे जाओ, खूब रखिया बांधो, लेकिन उस दिन मत जाओ। जो शिक्षित लेडीज होती हैं वो अपना परिवार कभी नहीं छोड़ती, इस मौके पर नहीं छोड़ती हैं। और एक भैया दोज, वो भैया दोज नहीं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो दमदोज है, दमदोज। उस पे उस दिन देखना इतने एक्सीडेंट होते हैं। अब भैया मिठाई तो भाई के घर पे बनी है, बहन के घर पे बनी है, मिठाई खवाने के चली है, लाभ क्या हुआ उससे? अब लाभ वाली बात नहीं, आपके लाभ ही के लिए होता है। हाँ मानते हैं उससे प्यार बढ़ता है, लेकिन वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? जो लोग हलवाई बने हुए हैं ना, जो लोग हलवाई बने हुए रहते हैं, कहते चीनी जैसे चीनी चीनी लेके आए, चीनी से कितने प्रकार की मिठाइयाँ बना दी हम लोग खाते हैं, है ना? तो मेरी माताओं बहनों इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका प्यार, भाई बहन का प्यार, आगे पीछे खूब जाइए घूमने के लिए, लेकिन उस दिन कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहती इस चीज को थोड़ा त्याग दिए, थोड़ा कम करिए, करते हो तो सो थोड़ा कम दीजिए। अब ये करवा चौथ, कितनी माताएं बहने करवा चौथ व्रत रहती हैं, बताओ, हाथ उठाओ, बताओ भैया कितने लोग व्रत रहते करवा चौथ पे? लगा दिया है तो यही तो त्योहार, यही तो व्रत है। मेरी माता और बहनों व्रत वो नहीं होता है जो किसी के लिए हम खाना ना खाए, वो व्रत नहीं होता है। अगर कोई स्त्री गलत चल रही है तो अपनी गलत बातों को त्याग दीजिए, तो यही व्रत है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा अवगुण है जिससे आपके परिवार को हानि हो रही है, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, तो ये भी एक त्याग है, ये भी एक व्रत है। इसको तो कोई सुनता ही नहीं है, इसको तो कोई मानता ही नहीं है। तब किसी ने कहा है कि सील पालन करना कठिन है। बुद्ध ने बताया कि हिंसा, चोरी और दुष्कर्म